अस्सलाम वालेकुम मदर लैब स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा उनवान है हरूफ पे ते टे लिखें। इसकी दो सलाहियतें हैं, सुनना और बोलना। मतवक्के हासिलात तअल्लुम, हरूफ तहज्जी की पहचान कर सकें और लिख सकें, तस्वीर देखकर सही पहचान कर सकें और नाम बता सकें, जो हरूफ तहज्जी है उसकी पहचान कर सकें और आप लिख सकें, तस्वीर देखकर सही पहचान कर सकें। मतलब आपको अगर कोई तस्वीर दिखाए तो आप उसका नाम बता सकें, उस अशिया का नाम बता सकें। इसका उनवान है पढ़िए और रंग भरिए। अच्छा, आज का हमारा हर्फ है पे। पे, पे की आवाज़ क्या होगी? पा। पे की आवाज़ क्या होगी? पा। पे से कौन सी अशिया बनती है? पेपा, पेंसिल। वेरी गुड। अब दूसरा हर्फ है हमारा ते। ते, ते की आवाज़ क्या होगी? ता। ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? दो। ते से कौन सी अशिया बनती है? तेता, तितली। अब हमारे पास अगला हर्फ है टे। टे के ऊपर टोपी। टे के ऊपर तोए। टे की आवाज़ क्या होगी? टा। टे से कौन सी अशिया बनती है? टेटा, टमाटर। अब हमने इसमें रंग भी भरने, हमने पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा के बता दी है, अब हम इसमें रंग भरेंगे। अब हम इसमें रंग भरेंगे पेपा, पेंसिल। पेंसिल में आप रंग भर लें। अब अगला हर्फ है ते। तेता, तितली। तितली में रंग भर लें। अब अगला हर्फ है टे। टेटा, टमाटर। आप हरूफ में भी रंग भर सकते हैं, ठीक है, और अशिया में भी। अब मैंने आपको पढ़ा भी दिया है और रंग भी हमने भर लिए हैं। अब हम इसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कौन सा हर्फ है? पे। अब आप लोगों ने, आप सब ने नुक्ते को नुक्ते से मिलाकर हर्फ पे लिखेंगे। कौन सा हर्फ? पे। पे के नीचे कितने नुक्ते होते हैं? तीन। इसी तरह अगला हर्फ है हमारे पास ते। ते भी ऐसे ही राइट करेंगे, नुक्ते को नुक्ते के साथ मिलाकर कौन सा हर्फ राइट हो जाएगा? ते। ते के ऊपर कितने नुक्ते होते हैं? दो। अब हमारे पास तीसरा हर्फ है टे। टे भी ऐसे नुक्ते को नुक्ते के साथ मिलाकर हर्फ टे राइट हो जाएगा। इसी तरह आपने सेम एस इसी तरह राइट करना है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।